मुझे वो दिन याद है जहाँ पे मेरे अब्बा ने मेरे लिए एक प्रॉपर फ़ोन लाए थे दुबई से, जिसका नाम था नोकिया का C101। सो वो कीपैड वाला फ़ोन मेरी लाइफ का पहला प्रॉपर मोबाइल था। एंड उस वक्त सलमान खान की बॉडीगार्ड मेरी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही थी, उसका जो रिंगटोन नहीं ये वाला वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था, तो मैंने अपने मोबाइल में ये रिंगटोन लगाया था। ओ भाई साहब वो देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह, ढेल है ढेल। अब ये जो है वो टेक ऑफ करने वाली है यहाँ से, ऐसा मुझे लग रहा है। ओहो हो भाई साहब, इसको डराना नहीं चाहता बट पास जाके थोड़ा बहुत दिखाता हूँ। वो जो आपको दिखाया जाए छत वहाँ से उड़ के यहाँ पे आई है, वो पार्ट में रिकॉर्ड करता बहुत ज़्यादा प्यारा लगता। मुझे लगता है आपने ये वाले छत पे जाने वाली है। और ये इज़ द थिंग, आपके भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना पहला 5G स्मार्टफोन परचेस किया है अभी रिसेंटली, रिसेंटली बोले तो 11th ऑफ अगस्त को, जिसका नाम है Redmi 13C। और ये मेरा Redmi का पहला फ़ोन है। नाउ ये फ़ोन मैंने बहुत अर्जेंटली परचेज किया था, इसका रीज़न मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल तो आपको मैं ये फ़ोन दिखाता हूँ विदाउट कवर। ओहो भाई साहब, जस्ट लुक एट दिस। एंड यहाँ पे जो लिखा हुआ है 5G। जब मैं ये फ़ोन रिसीव करने गया था तभी मैंने कुछ ब्लॉग रिकॉर्ड किया था, तो वो आप ज़रा देख लें। जैसे उसके बाद मैं आपको इसकी फटाफट से अनबॉक्सिंग भी दिखाऊंगा। ऑलराइट, सो आज है 11th ऑफ अगस्त, ऐसे भी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। मुझे दुकान का कॉल आया कि मेरा फ़ोन जो आ चुका है भावनगर से, तो वही मैं पिकअप करने जा रहा हूँ। एंड ये मेरा फर्स्ट 5G स्मार्टफोन है। ऑलराइट गाइस, न्यू फोन इन द हाउस, Redmi 13C 5G। ये मेरा फर्स्ट 5G फ़ोन है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, मेरा नाम है आदम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, खैरियत से हो गए। सो मुझे दोबारा अपने मुंबई से गांव आए हुए लगभग 9-10 दिन हो चुके हैं। मैंने अपने पिछले दो व्लॉग में आपको कहा था कि भाई रिसेंटली बहुत सी चीज़ें हुई, जिसमें से एक ये हुआ कि जो मैंने अपने न्यू स्मार्टफोन परचेज किया, उसके अलावा एक ये चीज़ है। नाउ ये जो चीज़ है वो है जियो की। ये क्या चीज़ अब तक अगर आपने गेस नहीं किया तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि भाई ये है एक वाईफाई प्लस टीवी का सेटअप। आई मीन टीवी में जो चैनल वगैरह चलते हैं वो भी है एंड वाईफाई भी है। एंड मुंबई में जब मैंने वाईफाई लगा था वो एयरटेल एक्सट्रीम का लगा था, ये है जियो का एल फाइबर। मैंने अपना वाईफाई इंस्टॉल किया था, वो दिन था जुमे का 9th ऑफ अगस्त, वाईफाई वाला था। उसके अंदर में थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई थी, उस वक्त जो लाइट चली गई थी, तो लाइट नहीं करके ये सेटअप नहीं हो पा रहा था। तो लगभग जो 1 से 1.5 घंटा डिले हुआ था अपना सेटअप वगैरह होने में, लाइट आई उसके बाद 1 से 1.5 घंटे बाद सोचा लाइट आई थी ना। मुंबई से गाँव आते हैं मैं सबसे पहले जो काम किया था वो ये था कि वाईफाई के बारे में पूछने गया था। इसका मतलब भाई मोर इधर किधर बैठा हुआ सामने वाले चपड़े पे, मैं तो नहीं देख सकता, आपको मैं दिखा दूँ, अगर दिखा तो अच्छी बात है। मेरा ये ट्राईपॉड कब कम आएगा? ऑलराइट, सो भाई यहाँ से आओ, आइए नाउ मोमेंट ऑफ द ट्रूथ। आई डोंट नो सही से दिखा है नहीं, यहाँ से दिखा दूँ आपको। अभी जस्ट फुटेज में चेक किया, यहाँ पे मोर नहीं है। देन फिर मेरे कॉन्टैक्ट में एक बंदा है जिसको मैंने मैसेज किया रिगार्डिंग वाईफाई, तो उसने मुझे एक तो पर्सन का नंबर भेजा डायरेक्टली जो वाईफाई खुद इंस्टॉल करता है, नो थर्ड पार्टी नो कुछ। उस नंबर मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया पहले, तो उसको मैंने अपने रिक्वायरमेंट बताया कि भाई मुझे वाईफाई चाहिए। तो उसने मुझे बोला कि सिर्फ वाईफाई नहीं आएगा, वाईफाई के साथ में टीवी भी, जो टीवी का चैनल वगैरह भी आता है वो भी आएगा। मुंबई में जब हम थे तब भी हमारे पास टीवी का लैंड कनेक्शन नहीं था ऐसा, लेकिन टीवी के साथ में जो नाम जुड़ा वाईफाई, तो मैंने एग्री किया। देयर यू गाइस कैन सी, हियर इज माय वाईफाई। एंड ये जो मेरा पूरा एरिया है, यहाँ मेरे आजू बाजू में जो मॉल है, मैं मॉल छोड़ो, ये जो अपना एरिया है जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे कोई भी वाईफाई का नाम निशान नहीं। वन एंड ओनली आपके भाई का यहाँ पे जो है वाईफाई लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ आप जो खुद ही देख रहे हो देयर यू गाइस कैन सी, यहाँ पे मेरे वाईफाई के नाम के अलावा किसी का भी वाईफाई नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा। देयर यू गाइस कैन सी, मैं मुंबई में अगर मैं चालू करता था भाई यहाँ पे लाइन भर जाती, स्क्रॉल करते करते मैं थक जाता लेकिन ख़त्म नहीं होता। लेकिन भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा वाईफाई है, तो वाईफाई लग गया ये काम मतलब बहुत बढ़िया हो गया। नाउ 8 तारीख को मैं अपने मुंबई से अपने गांव आया था, उसके एक दिन बाद सोचे मैंने अपने वाईफाई इंस्टॉल करवाया। उसके बाद जाके मैंने अपने दोनों भी ब्लॉग जो मैं इसके पहले देखा वो मैंने अपलोड किया गाँव में आने के बाद। लेकिन इसमें एक दिक्कत वाली बात ये है कि जब मैंने उससे पूछा कि भाई क्या ये मेरा वाईफाई जो अनलिमिटेड है, तो उन्होंने मुझे बोला कि अनलिमिटेड नहीं है, उन्होंने मुझे एक सर्टन GB बोला था, GB है मेरे पास। तो अभी मैं जो चेक किया नहीं प्रॉपरली, क्योंकि ये भी मैंने पहली बार लगाया जियो का एयर फाइबर। तो जियो की एप्लीकेशन में मैं जाके देखूंगा कि इसका जो एयर फाइबर है उसका क्या प्लान से कितने का प्लान है, कि
कितना जीबी मुझे मिला है। बाय द वे जो मैंने ये जियो एयर फाइबर लगाया हूँ उसके इंस्टॉलेशन के साथ मुझे 3 महीने का इसका रिचार्ज किया फ्री पड़ा है। तो भाई ये एक बहुत लंबा प्रोसेस था, उसमें ये लाइट गई थी, लेकिन जो भी है जैसा भी है जियो की स्किन थी, आपके भाई का अलहमदिल्ला वाईफाई इंस्टॉल हो चुका है अभी गाँव में। वेल अभी सुबह के 9:15 बज रहे हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ मस्त फ्रेश अप होने के लिए। और ये मैं आपको दिखाऊँ तो अभी जो है हल्की हल्की ड्रिजलिंग भी होना स्टार्ट हो चुकी है। एंड भाई पिछले 2 दिन से जो गर्मी पड़ी है ना भाई यहाँ पे क्रेजी क्रेजी लिटरली, क्योंकि अपने मुंबई में जो गर्मी है वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं है करके जो गर्मी है लिटरली अपने चमड़ी के अंदर से पार होके अपने जिस्म के अंदर तक जा रही है। जिस्म को झुलसा देने वाली गर्मी है भाई यहाँ पे पिछले 2 दिन से। एंड लास्ट व्लॉग में आपको मैंने ये भी कहा था कि हमें डेली व्लॉग सबसे इंशाल्लाह शुरू है चालू है स्टार्ट है। तो यस अपने ये वाले व्लॉग में मैं कंफर्म करना चाहूँगा कि भाई डेली व्लॉग हमें शुरू है चालू है स्टार्ट है। तो अभी चुटकी बजा के अब क्या ही फ्रेश अप होना। अरे भाई ये क्या सीन हो गया, ये तो चुटकी बजाने से भी ज़्यादा आसान था भाई। यही शर्ट पहन के मैं गया था अपने मुंबई, तो भाई क्या ही क्रेजी सीन था। होपफुली आपने दोनों भी ब्लॉग में देखे होंगे इसके पहले वाले। तो अभी फिलहाल मैं आया अपने सेटअप में, क्योंकि अभी भी पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, इसका मुझे अभी सेटअप करना बाकी है। तो पहले तो एक ये बॉक्स है यहाँ पे जेरी गैस के अंदर, अच्छा खासा बड़ा बॉक्स है। उसके अलावा एक ये वाला बॉक्स है जिसके अंदर प्रॉपर सेटअप बॉक्स था, इसके अंदर राउटर वगैरह थे। और अगर मैं 5 फीट और यहाँ पे बैठा तो आप इसे पूरा पसीने में नहा लूँगा। इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। और भाई कोई बड़ी दिनों बाद मैं ऐसा प्रॉपर व्लॉग कर रहा हूँ ट्राइपॉड के साथ में, माइक्रोफोन के साथ में, वायरलेस माइक्रोफोन के साथ में। हेलो वन टू थ्री माइक टेस्टिंग, होपफुली अभी से आवाज़ आ रही होगी मेरी। चलो अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं। बाय द वे ये था हमारा आज का दस्तरखान। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर के पास में, जो मस्त से कॉन्क्रीट का रास्ता बन चुका है, मैं ब्लॉक्स लग चुके हैं। तो मैं जो यहाँ पे थोड़ी बहुत वॉकिंग एंड रनिंग करूँगा। एंड खाना खाने के बाद बेसिकली मैं और मोहम्मद अली यहाँ पे आते हैं, मोहम्मद अली साइकिल चलाते हैं मस्त एकदम, मैं उसके साथ में घूमते रहता हूँ। ये जगह पर रास्ते माशाल्लाह से मस्त बन चुका है। साथ ही साथ मैं अपने न्यू स्मार्टफोन के बारे में भी आपसे बात करूँगा, तो क्योंकि बारिश आई थी घर की, ये देखो छोटी सी नदी बन चुकी है। मुझे पता है ये कपड़े रनिंग के लिए सही नहीं है, इट इज़ व्हाट इट इज़। तो ऐसे अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं, तो मस्त आधा घंटा मैं यहाँ पे रनिंग करूँगा वॉकिंग करूँगा। एंड भाई कपड़े के मैंने बैंड बच जाने पर पसीना पसीना होने वाला हूँ मैं, जो मैंने नहीं मुड़ा था उसमें अब तक मुझे थोड़ा पेन है। और टॉकिंग अबाउट माई स्मार्टफोन, मैं स्मार्टफोन का नाम तो मैंने आपको बताया था, रेडमी 13C है, 5G स्मार्टफोन है, मेरा पहला 5G स्मार्टफोन है। एंड ये फ़ोन परचेज करने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि भाई मुझे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना था। तो मेरे जो बैंकिंग एप्लीकेशन है वो सारे के सारे मेरे आईफोन के अंदर है। तो 1 तारीख तक तो मेरा आईफोन सही से चल रहा था, आई मीन 1 तारीख तक तो पेटीएम एंड जीपे का सपोर्ट था मेरे आईफोन में। जब मैं मुंबई से निकला था गाँव के लिए तब मैं लास्ट अपना पेटीएम यूज़ किया था, लेकिन जब यहाँ पे आने के बाद जब मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे परचेज किया उसके बाद जब मैंने पेमेंट करने किया ऑनलाइन तो हुआ नहीं वो। एंड कुछ ये लिखा हुआ आया कि पेटीएम यूज़ करने के लिए मेरे आईफोन में iOS 17 होना चाहिए, जो कि मेरे फोन में है नहीं। जो आईफोन 7 प्लस है उसके अपडेट नहीं होगा, लास्ट वर्जन है जो आईफोन का है, जो कि 15 या फिर 16 है। एंड बिसाइड दैट ये जो मेरा फोन है Vivo V20, इसमें भी व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें भी मैंने मल्टीपल टाइम से मैं पेटीएम डाल के देखा तो पेटीएम ने इसमें चला नहीं। दैट्स व्हाई यहाँ पे तो जितनी भी सारी बाजार है वहाँ पे जाकर मैंने पूछा कि यहाँ पे कोई फोन सेकंड में अवेलेबल है तो मैं परचेज कर लेता हूँ, लेकिन मुझे कोई मिला नहीं। देन फिर एक दुकान है मेरे गाँव में, वहाँ पे जाकर मैंने पता किया तो वहाँ पे मल्टीपल फोन थे, इसमें से एक ये फोन था जिसमें मेरा काम चला सकता था। लेकिन जैसे आपको मैंने कहा कि भाई मेरा कोई प्लान नहीं था, मेरा आईफोन अच्छा खासा चल रहा है, मेरा ये फोन अच्छा खासा चल रहा है, ऑनलाइन पेमेंट देने के लिए मुझे ये फोन परचेज करना पड़ा। क्योंकि जो मेरा फोन है न्यू वाला रेडमी 13C, वो अभी मेरा प्राइमरी फोन है, आईफोन को मैं रख दिया हूँ, आईफोन से भी मैं व्लॉग वगैरह बनाऊंगा डेफिनेटली। बाकी मेरा सिम कार्ड है जो मेरा बैंकिंग अकाउंट है वो मेरे न्यू फोन में डाल दिया रेडमी 13C में। तो ये है भाई ओवरऑल पूरी बैक स्टोरी। वो दिन तो संडे का, वहाँ पे उनकी दुकान बंद थी, तो वो बंदा भावनगर से मैं फोन लेके आया जो कि ये कलर में, हल्का सा वो से दैट टर्कोइश कलर में बोलूंगा, ये लाइट ग्रीन जो भी है और 2-3 कलर है इसको मिला के, लेकिन ये कलर मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। 6GB रैम 128GB स्टोरेज, जबकि मेरा ये जो फोन है वीवो V20 इसके अंदर लगा है एमोलेड डिस्प्ले, के डिस्प्ले मेरे वीवो V20 का ज़्यादा बेटर है, लेकिन ये जो मेरा फोन है रेडमी 13C इसके अंदर प्रोसेसर एंड जो इसके अंदर 5G नेटवर्क है ओवरऑल जो फोन है लेटेस्ट है। तो ये भी अपना एक थोड़ा बहुत बेनिफिट है कि अपने को नेट की स्पीड इसमें थोड़ी बहुत अच्छी मिलेगी काइंड ऑफ। जो भी है जो मेरा गांव है वहाँ पे अब तक प्रॉपर 5G चलता नहीं है, ना तो मैंने 5G को रिचार्ज कराया, ना तो मैंने मुंबई में कभी 5G यूज़ किया हूँ। एंड जो ये जो मेरा वीवो V20 वो सिर्फ मैं व्लॉगिंग के लिए रखा हूँ, इसके अंदर सिम वगैरह कुछ भी नहीं है, लाइक किसी को भी ये पता नहीं कि मेरा फ़ोन अपना यहाँ पे रखा हुआ है, मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर बैठ के। आपको मैं दिखाता हूँ मैंने अपना फ़ोन कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे सड़क है, यहाँ पे किसी के नोटिस में नहीं आ रहा कि यहाँ पे फोन भी रखा हुआ मैंने। तो यहाँ पे इस फोन के अंदर यहाँ पे 2 कैमरे का सेटअप है, जहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है, एंड इससे मैंने वीडियो बना के देखा, फोटोज क्लिक करके देखा डेफिनेटली, बस की क्वालिटी बहुत सही है। तो
रेडमी 13C का व्लॉग टेस्ट भी मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ, क्योंकि बजट फ़ोन में अगर किसी का व्लॉगिंग या फिर यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कोई भी स्टार्ट करना चाहता है, तो उनके लिए फ़ोन कैसा है वो मैं आपको बताऊंगा इसके व्लॉग वाले वीडियो के अंदर। बहुत ज़्यादा है पर भी क्या लगता है घूमने आई हुई है एंड काफ़ी पब्लिक घूमने जा रही है ना। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि भाई ये फ़ोन तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, जो मेरा फ़ोन है वीवो 20 से साइज़ में थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे दो कैमरे हैं जिसमें से एक काम का है। भाई कैमरे का जो एक्चुअल साइज़ है वो इतू सा है, लेकिन भाई इन्होंने जो रिंग बनाई है वो हद से ज़्यादा बड़ी कर दी है। देखने में डेफिनेटली अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन भाई मेरे ख्याल से इसका प्रोटेक्ट करना भी इतना मुश्किल है, जिसके लिए आप देख सकते हो इसका जो कवर है भी कुछ काम नहीं आ रहा है। इसके बाद भी तो पूरा कैमरा पूरा एक्सपोज है। तो और भी अगर आपको कुछ जानना है रेडमी 13C के बारे में तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। अरे मिल जाएगा फ़ोन आते हुए ना बताएंगे ना। ये फ़ोन मंगाने के बाद एक दिक्कत ये हुई थी कि ना तो इसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगा हुआ था, ना तो उसका कवर इसके बॉक्स में आया था। लेकिन मैं वो चीज़ मुझे परचेस करने के लिए अपने भावनगर जाना पड़ता, जो कि मेरे गांव से लगभग एक घंटा दूर है, एंड वहाँ पे मुझे ढूंढना पड़ता है कि वो कहाँ पे मिलते हैं कहाँ पे नहीं। भाई यहाँ पे मेरे गाँव में एक दुकान है जहाँ पे मेरे पहचान वाले, तो उन्होंने जो है मुझे अपना स्क्रीन गार्ड भी ला के दिया एंड जो मैं कवर है मोबाइल का वो भी ला के दिया। उसके बाद जाके मैंने चैन की सांस लिया एंड तब तक मैं अपना फ़ोन जो एकदम आराम से संभाल के चला रहा था ताकि उसके ऊपर एक भी स्क्रैचेस वगैरह ना आए। और बाकी रेडमी 13C का प्राइस क्या है कितना है वो आप गूगल पे जाके देख सकते हो, अभी अमेजन या फ्लिपकार्ट जाके देख सकते हो। तो ये है आपके भाई का पहला 5G स्मार्टफोन, जो कि एकदम रैंडम परचेस था, एकदम अनएक्सपेक्टेड परचेस था, एकदम हड़बड़ी मैंने फ़ोन परचेस किया लेकिन देख के लिया मैंने। तो अभी जो मस्त मैं वॉकिंग में गया, भाग भी लिया, आधा घंटा हो चुका है मुझे, अभी मैं जा रहा हूँ घर पे। बस मैं मोहम्मद अली को मिस करा, अभी वो सो गया है तो अभी मेरे साथ में होता है साइकिल लेके, एंड मुझे भी साइकिल में हवा वगैरह भरना है, साफ वगैरह करना है, क्योंकि मैंने भाई ने उसको चलाया था अभी रिसेंटली जब वो आया था, तो उसके बाद से वैसे ही कैसी पड़ी है। तो मैं मेरी साइकिल को उल्टा करके गया था क्योंकि उसका टायर खराब था करके। भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे नैनो खड़ी है, क्या प्यारी लग रही गाड़ी है ये वाली। बाकी भाई यहाँ पे पक्की ज़मीन बन गई, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और भाई वो जो मोड़ चिल्ला उसके बाद जो बारिश आई ना भाई, क्रेजी बारिश आई थी कि आप देख भी सकते हो, थोड़ी बहुत मिट्टी गिली है एंड ये मेरे हाथ भी देख सकते हो पसीने पर लथपथ हो चुका हूँ मैं, जो कि नॉर्मल है मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम एंड बाय द वे, जब से मैं अपने गांव आया हूँ तब से हर रोज़ भाई बादलों के जो सीन होता है ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लेता है। तो जब भी मैं ऐसे अपने बालकनी में आता हूँ मेरी नज़र बादलों से हटी नहीं है एंड यहाँ पे जो कपड़े सूख रहे अपने फॉर सेकंड टाइम मुंबई से यहाँ पे आने के बाद। सभी को बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हमारा 78 इंडिपेंडेंस डे था। लेकिन अभी रिसेंटली जो चीज़ें भी आपने देखा होगा सुना होगा, उसके बाद जो मेरे पूरा मूड खराब हो गया था, तब मैंने ब्लॉग कुछ बनाया नहीं। कहाँ जा रहा है? बाय जा रहा है यार, यार। और वो सबके लिए छोटी छोटी मेले में से आया मस्त एकदम घूम फिर गया और ये रिक्शा ले गया मुझे। बता रिक्शा बता मदली। तो अभी जो रात के 11:30 बजने वाले हैं, तो रिसेंटली जो मैंने जियो एयरफाइबर पे इंस्टॉल किया हूँ उसके अंदर टोटल जो तीन डब्बे बोले तो जो है दो राउटर है काइंड ऑफ, जिसमें से एक ही अभी बाहर लगा हुआ है एंड एक में टीवी के पास लगा हुआ है। उसके अलावा एक सेटअप बॉक्स है जिससे हमें टीवी चल जाए वाया HDMI। बाहर ये जो बॉक्स है जब तक अपना बटन ऑन रहा, मीनिंग जब तक हम स्विच ऑन रखते हैं तब तक ये बॉक्स से जो लाइट चालू रहती है। तो जियो एयरफाइबर का जो वाई फाई स्पीड है वो 30 MBPS है, जबकि जो मेरा मुंबई में एयरटेल एक्सट्रीम लगा हुआ था वाईफाई उसका 10 MBPS था, तो उसका मतलब ये है इसका दुगना स्पीड का है। तो अभी जो रात के 12:30 बज चुके हैं, 21 तारीख हो चुकी है, अगस्त का महीना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है एंड ये मेरा कोई तीसरा या चौथा व्लॉग है अगस्त का। अगस्त महीने का ये मेरा चौथा व्लॉग है, जो कि भाई बहुत कम से भी कम है जिस हिसाब से मैं अपने व्लॉग रिकॉर्ड किया करता हूँ। कोई बड़ी दिनों बाद ऐसे व्लॉग रिकॉर्ड करना इटली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। विद द सेड इस व्लॉग को मैं कहता हूँ यही पे समाप्त। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, बाकी फॉर मोर बिल्कुल फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे। नया गिवर मिलता आपको बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट।